हाय आशीष सर, धीरे दिस साइड फ्रॉम अम्बाला। जैसा कि आपसे कई बार मेरी बात भी होती रहती है, मैं डीप नॉलेज कम्युनिटी का ही एक मेंबर हूँ। लगभग 3 से 4 महीने पहले मैं आपके साथ जुड़ा था, आई थिंक मार्च एंड में इसी साल, थ्रू ज़ेन योगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब जो भी ज़ेन योगा का मेरी लाइफ में बहुत हाई लेवल से इम्पैक्ट जो पड़ा है, उसके बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। जिस दिन मैंने आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपका, जिसमें आप ज़ेन योगा बेसिक कोर्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद आपकी कुछ एक वीडियोज़ मैंने देखी, व्हाट्सएप पे आपने शेयर किया था आपके, और जिस दिन मेरे पास बुक आई, बुक आने के आई थिंक सेम डे जब मैंने वो स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद आई थिंक दोपहर में मैंने पढ़ी, 2-3-4 पेजेस पढ़े, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा मेरे माइंड पे वो। मुझे लगा कि शायद ये बुक मेरे लिए ही लिखी गई है। और इवनिंग में ही कुछ आई डोंट नो, मतलब कुछ अलग सी काइंड ऑफ डिविनिटी एक्सपीरियंस आया मुझे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, शायद वो डिस्टर्बेंस ही एक जरिया बनी, एक रेफरेंस टूल बनी ज़ेन योगा ज्वाइन करने के लिए मुझे, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। और तब से लेके अब तक लाइफ में, मतलब पिछले 3-4 महीने से ड्रास्टिक चेंज आया सर लाइफ में। शब्दों में शायद मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि लाइफ में एक तरह का कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी कुछ जो समझ नहीं आता था, अब धीरे धीरे चीज़ें अलाइन होनी स्टार्ट हो गई हैं। और लाइफ का जो एक पर्पस था, एक क्वेश्चन था मेरी लाइफ में, हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ एंड बर्थ, दिस मटीरियल वर्ल्ड, काफ़ी तरह के क्वेश्चन थे जो जिनके आंसर्स मुझे ज़ेन योगा में मिले। पिछले 3-4 महीने से मैं ज़ेन योगा कोर्स कर रहा हूँ बहुत डेडिकेटेडली, वीडियोज़ भी आपकी देखता हूँ, कृष्णमूर्ति जी की वीडियोज़ भी देखता हूँ, कोर्स भी ज्वाइन करा है गौतम बुद्ध साहब की। तो ओवरऑल सर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों तक भी ज़ेन योगा की जो इतनी ट्रेजर है, नॉलेज है, वो बाकी लोगों तक भी हम लोग शेयर करें इन। और फ्यूचर में मैंने भी सोच रखा है कि जब भी मैं लाइफ में कुछ मुझे मौका मिलता है, तो ज़रूर ज़ेन योगा को मैं बाकी लोगों तक भी पहुँचाना चाहूँगा, और जितना भी हो सके मैं अपने लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा ज़ेन योगा, जो स्कूल हम लोग अभी राइट नाउ प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए। प्लस थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी शॉर्ट वर्ड। अगर मैं आपको कहूँ, आपके थ्रू ही लाइफ में जो कुछ अभी तक पिछले कुछ महीनों में क्लैरिटी आनी स्टार्ट हुई है, लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी जिस भी तरह के ड्रिफ्ट थे, काफ़ी कुछ मतलब अपनी पोजीशन में आना स्टार्ट हो गया है। और एंड आई रियली होप कि ज़ेन योगा बाकी लोगों तक भी इसी तरह हम लोग अपनी आपकी जैसे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकें। और इसकी एक्चुअली बहुत ज़रूरत है ज़ेन योगा की। आज की जो मैं सिनेरियो देखता हूँ, लोग अपने आसपास के लोगों को, हर इंसान बहुत कुछ ना कुछ चाहता है, एवरी ह्यूमन बींग इज सीकिंग समथिंग, और शायद वो ज़ेन योगा ही है जिससे जो भी लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल हो सकता है। तो बस यही कहना चाहता था कि ज़ेन योगा, तो सर बस यही कहना था कि हम लोग ऐसे ही थ्रू टेलीफोन तो जुड़े रहेंगे, और ज़ेन योगा के थ्रू आप मेरी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, और आई होप कि कभी हम मिल भी पाएं वेरी सून। जब भी होगा, मुझे चांस मिलता है, तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। और जो हमारा एक पाथ है, एक मंजिल है टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, आई होप कि हम सबकी पूरी हो। ओके सर, टेक केयर, बाय, सी यू सून।